केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल रविवार को अमृतसर में थे, जहां उन्होंने 84 सिख विरोधी दंगों की कड़े शब्दों में निंदा की, तो वहीं पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हुई हार पर मंथन करने की बात कही और कहा कि 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी जरूर जीत हासिल करेगी। ...2014 के लोकसभा चुनाव में अमृतसर सीट पर बीजेपी को करारी हार मिली थी। इस हाई प्रोफाइल सीट पर कैप्टन अमरिंदर सिंह और अरुण जेटली आमने सामने थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह मौजूदा वक्त में पंजाब के सीएम हैं, जबकि अरुण जेटली हार के बावजूद देश के वित्त मंत्री बने। हालांकि इस सीट पर काबिज होने का बीजेपी का सपना खत्म नहीं हुआ है। 2019 में अमृतसर लोकसभा सीट को अपने खाते में डालने के लिए बीजेपी ने अभी से जोर लगा दिया है। अमृतसर भी उस संसदीय क्षेत्र में सम्मिलित है जहां वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का सांसद नहीं है, और कैसे हम 2019 में ऐसी सीट को जीत सकते हैं जिसको हम अभी जीत नहीं पा रहे हैं, इसकी रिपोर्ट भी हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पेश करेंगे। हाल ही में अमृतसर लोकसभा उपचुनाव में करारी शिकस्त और पंजाब में गठबंधन की हार पर मीडिया ने मेघवाल को घेरने की कोशिश की, लेकिन मेघवाल ने साफ कर दिया कि अगले चुनाव में हाई प्रोफाइल सीट अपने खाते में करके मानेंगे। हम 1984 में दो सीटों पे थे कि नहीं थे? एक मिनट सुनो तो सही। हम जब 2 से 282 तक जा सकते हैं तो अमृतसर में भी हम जीत दर्ज कराएंगे। अमृतसर में भी हम जीत दर्ज कराएंगे। हर राजनीतिक दल जीत से हार से कुछ न कुछ सीखता रहता है। दरअसल 6 से 14 अप्रैल तक केंद्र सरकार के मंत्री और बीजेपी के नेता देश भर के संसदीय सीटों के दौरे पर हैं। जहां बीजेपी कमजोर है, वहां पार्टी खुद को मजबूत करना चाहती है। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर।